हेलो, टुडे आई विल स्टार्ट मैथ्स फॉर क्लास 9। द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज मेड बाय टू टर्म्स, पॉली प्लस नोमियल्स। नोमियल्स, पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। इट मीन्स पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेनी टर्म्स होती हैं। बट अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल क्या है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहती है? पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच मेनी टर्म्स आर देयर एंड द वेरिएबल्स इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। क्या बताया मैंने? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जिसमें जो वेरिएबल्स है वो केवल और केवल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट को ही इंक्लूड करती है। इसका मतलब वेरिएबल्स की केवल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ही होने चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा बताया कि इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए, मतलब जो पावर होगी वो हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्म में होगी। 1/2, 1/3, 2/3, 4/3, 4/5 इस तरह की पावर नहीं आएगी। इसका मतलब जो हमारी एक्सप्रेशन होगी वो कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे हमने लिखा 5x² + 3x + 2। ये हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी जिसमें आपने देखा कि जो वेरिएबल है x, इसकी पावर पॉजिटिव है, कोई भी पावर इसमें नेगेटिव नहीं है। अगर हम इसको भी x के फॉर्म में लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x^0। तो यहाँ पे x की पावर 2, 1, 0, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है। और दूसरी चीज, जो भी पावर आपको दिख रही है वो सारी की सारी इंटीग्रल फॉर्म में है। +2, +1, 0, 1/2, 1/3, 4/3, 4/5 के फॉर्म में कोई भी पावर नहीं है। इसका मतलब हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या आई कि पॉलिनोमियल जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेनी टर्म्स होती हैं और जिसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स को ही इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब जो वेरिएबल्स लिखे जाएंगे उनकी जो पावर होगी वो केवल पॉजिटिव होगी और हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगी, कोई भी पावर 1/3, 2/3 वगैरह के फॉर्म में नहीं होगी। तो ये तो डेफिनेशन थी पॉलिनोमियल की। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसी एग्जांपल से मैं बात करता हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें आप देखो कि जो वेरिएबल्स है, जो वेरिएबल यूज किया गया है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, तो इस x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो इसका मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या बनेगी? 2। तो इसी हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दिस 2 इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो कोई भी पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है जिसकी डिग्री 0 है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे मैं ये वाला अगर पार्ट लूँ 2x^0, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके वेरिएबल की जो पावर है वो 0 है, तो इसको हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसको कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी हमारी मान लो एक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, अगर इसमें a, b और c जो तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर इनको जीरो पुट कर दिया जाए तो ये वाला पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट अगर जीरो कर दिए जाएँ तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती।
कोई भी पॉलिनोमियल जिसके सभी कॉन्स्टेंट्स जीरो हों तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोमियल। मोनोमियल्स मतलब मोनोमियल सिंगल, नोमियल में टर्म्स। तो कोई ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म है तो एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे बाइनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यहाँ पे भी इंक्लूड होगी, लेकिन एक टर्म और आ गई लीनियर, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो, मतलब हाईएस्ट पावर अगर उस पॉलिनोमियल की वन है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखी है 4x+3, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? यहाँ पे तो पावर वन है और इसको हम x^0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी आएगी? वन, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे वन है। तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है किसी एक्सप्रेशन के अंदर तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? अगर किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर टू आ जाए, एक मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया 3x²+4x+3, इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो कि जो वेरिएबल एक्स है इसकी हाईएस्ट पावर टू है। तो अगर हाईएस्ट पावर टू है किसी वेरिएबल किसी एक्सप्रेशन के अंदर तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आज डिस्कस करना है दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे? अगर मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और ए एक ऐसा नंबर है जिसको अगर इसमें पुट कर दिया जाए, पी एक्स हमारा कोई पॉलिनोमियल है और ए एक ऐसा रियल नंबर है जिसको अगर इसमें पुट कर दिया जाए इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा? पी ए बन जाएगा। अगर इस पी ए की वैल्यू जीरो आ जाती है तो इस ए को हम बोलते हैं जीरो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और ए कोई एक रियल नंबर है, इस रियल नंबर को अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो क्या बनेगा? पी एक्स पी ए बन जाएगा, और इस पी ए की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो इस ए को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका केवल सिंगल जीरो ही निकलता है, मतलब सिंगल वैल्यू ही आती है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, अगर ये पी एक्स हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें केवल एक ही जीरोज होगा। और अगर हम जीरोज की बात करें तो जितनी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है उतने जीरोज निकलते हैं। अगर हम किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके 3 जीरोज निकले। हाईएस्ट डिग्री बोलने का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर। किसी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब उनके 3 जीरोज भी निकलेंगे। तो जीरोज और कुछ नहीं है, जीरोज जो है जस्ट उस एक्सप्रेशन के में जो वेरिएबल आपने यूज किया है उस वेरिएबल की वैल्यू है जो पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देती है? जीरो कर देती है। तो अगर 3 जीरोज निकल रहे हैं तो ये तीनों जीरोज अगर उस पॉलिनोमियल में पुट किए जाएंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल को या उस एक्सप्रेशन को जीरो कर देती है उसी को हम जीरोज बोलते हैं। तो जितने जितनी पावर होगी, जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोज भी होते हैं। तो फर्दर मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूँ सारे टर्म्स क्या है, कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेनी टर्म्स होती हैं और उसमें जो वेरिएबल होता है वो केवल और केवल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट को ही इंक्लूड करता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया कि जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल को उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जीरो है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल में जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं अगर उनको जीरो कर दिया जाए तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। मोनोमियल्स क्या होता है, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल सिंगल टर्म हो, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर वन हो या डिग्री जिसकी वन हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर टू हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोधा पॉलिनोमियल में क्या बताया मैंने कि अगर हमने कोई पॉलिनोमियल लिया पी एक्स और इसमें एक रियल नंबर ए पुट किया, एक हमने पॉलिनोमियल लिया पी एक्स जिसमें हमने एक रियल नंबर ए पुट किया, तो रियल नंबर ए पुट करने पे ए वैल्यू, ए पॉलिनोमियल क्या बन गया, पी एक्स की जगह पी ए बन गया, और इस पी ए की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो इसका मतलब ए क्या है, इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो बन जाएगा। मतलब ए की, ए जो वैल्यू है इसको अगर पॉलिनोमियल में हम पुट कर रहे हैं तो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे रहा है। तो जो भी वैल्यूज पॉलिनोमियल को जीरो कर देती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, जीरो होती हैं उस पॉलिनोमियल की। और कभी भी हम लीनियर पॉलिनोमियल के केस में अगर नंबर ऑफ जीरो निकालें तो नंबर ऑफ जीरो केवल एक ही आएगा, किसी लीनियर पॉलिनोमियल के एक का एक ही जीरो होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज होंगे। इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है या जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही जीरोज निकलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को ठीक लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।